नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अलका शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदबड़ भोपाल से आप सभी का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संसाधन एवं विकास का पहला भाग पढ़ा था। इस भाग में पढ़ने से पूर्व हम पिछले भाग में क्या पढ़ा था थोड़ा सा उसको याद कर लेते हैं। हमने संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का विकास एवं नियोजन पढ़ा था। आज हम भारत में संसाधन नियोजन के पश्चात संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है या संसाधनों का नियोजन की आवश्यकता क्यों है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संसाधन एवं विकास भाग दो आगे हम बढ़ाते हैं। भारत में संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता। भारत में संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता हमें भिन्नता के कारण महसूस हुई। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए हैं, जिससे कि हम समस्त भागों में या राज्यों के आर्थिक विकास को सुचारू रूप से समान रूप से रख सकें, क्योंकि समस्त प्रदेशों में आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हुआ। नियोजन की आवश्यकता के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में भिन्नता ये एक प्रमुख कारण है नियोजन की आवश्यकता का। संसाधनों के वितरण में भिन्नता, हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता बहुत आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव मात्र से भी संसाधनों की उपलब्धता होने के पश्चात भी विकास संभव नहीं होता। देश में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, प्रदेशों की गिनती में आते हैं। तो इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं। उसका प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों में गुणवत्ता में वृद्धि है। तो उदाहरण आप दे सकते हैं, क्या आप जानते हैं ऐसे प्रदेशों को? नहीं तो पता लगाइए। चलिए हम एक प्रदेश का नाम हम बताते हैं, तो वो कौन सा आप जानते हैं कि बेंगलोर के देश शहर के रूप में जाना जाता है, तकनीकी शहर के रूप में। तो ये ऐसे कर्नाटक, तमिलनाडु और कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर तकनीकी प्रौद्योगिकी की वृद्धि के कारण विकास में वृद्धि हो रही है। भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है। तो इसमें किसने योगदान दिया है? हाँ बच्चों, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं, एक चित्र विकास को प्रदर्शित कर रहा है और एक में अधिक विकास करने की और अधिक आवश्यकता है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के क्रियाएं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन आधारित विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए हमें विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो आप इन दो चित्रों के माध्यम से कौन कौन से दो संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं? हाँ बच्चों, यहाँ पर हम वन संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं, यहाँ दो बालिकाएं वृक्ष लगाकर वन संसाधन का संरक्षण कर रही हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे ऊर्जा संसाधन के विकास करने का संकेत मिल रहा है कि हमें ऊर्जा के संसाधनों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। संसाधनों के संरक्षण पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी चिंता व्यक्त की है। तो उन्होंने, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। उन्होंने कहा, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं।
उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधनों के ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति वाले लोग जिम्मेदार हैं। गांधी जी के अतिरिक्त भी कुछ लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। उसके पश्चात 1974 में सुमेसर ने स्माइल इज ब्यूटीफुल में उन्होंने की थी और 1987 में प्रूडलैंड आयोग रिपोर्ट ने भी विश्व स्तर पर संसाधनों के संरक्षण की बात कही है। भू संसाधन। भूमि एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक जीवन में भूमि का हर जगह महत्व है। हमारे 95% कार्य भू संसाधन के माध्यम से ही हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति को करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन सभी भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है। बच्चों, यहाँ पर सीमित शब्द इसलिए कहा है कि भूमि यानी समस्त पृथ्वी की भूमि की बात है। यहाँ पर हम उसकी आवश्यकता के अनुसार वृद्धि या घटा नहीं सकते। भूमि का विश्व स्तर पर पूरे क्षेत्रफल में जितना है उतना ही सीमित रहेगा। इसीलिए भूमि का उपयोग हमें सावधानी और योजनाबद्ध तरीकों से करना चाहिए। भारत में 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। भारत में 30% पर्वतीय क्षेत्र है। देश के क्षेत्रफल का 27% भाग पथरी या पठारी भाग है। आप एक इस चित्र के माध्यम से और समझ सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ भू आकृतियाँ दी हुई हैं। अगर हम समस्त भू आकृतियों को 100% मान लें तो मैदानी भाग कितना हुआ, 43%, पठारी भाग 27%, पर्वतीय भाग 30%। मैदान में हमारा उत्तर भारत का समस्त मैदान और तटीय मैदान, इसमें समस्त मैदान सम्मिलित हैं। पठारी भाग में हमारे प्रायद्वीपीय पठार और जितने भी पठार हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। पर्वत में हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और भी जितना पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम समस्त भाग को एक माने तो 30% भूमि का हमारे भारत में पर्वतीय क्षेत्र में आता है। भू उपयोग। अब भूमि का हम उपयोग किन किन चीजों में, किन किन कार्यों के लिए करते हैं बच्चों? तो भू संसाधनों का उपयोग हम निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करते हैं। वन के रूप में भूमि का उपयोग, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के रूप में, परती भूमि, अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि के रूप में और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो अगर हम भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसके लिए हमारे पास अभी कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। स्थानीय चारागाहों के अंतर्गत हमारी भूमि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जो हमारे लिए एक सोचने का विषय है। यहाँ पर बच्चों हमने दो चित्र दिखाए हैं आपको। सामान्य न्यू उपभोग संवर्ग 1960 और 61, ये 60-61 और 2016 और 15 में हमें इसकी तुलना करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 46.26% भूमि कृषि और उसके लिए उपयोग, जबकि वर्तमान में 14-15 में हमारे पास ये 45.5% भूमि ही कृषि के लिए या कृषि योग्य भूमि के रूप में उपलब्ध है। तो ये इसका प्रतिशत क्या होते जा रहा है, मतलब कम हुआ है। ऐसे ही बंजर कृषि अयोग्य भूमि आप देखेंगे कि पहले 18.11 था, अब ये बंजर भूमि को हमने कृषि योग में बदलने के कारण हमारा इसका प्रतिशत भी घटा है 5.5। ऐसी गैर कृषि प्रयोजन भूमि क्षेत्र जो कि 4.95% था वो अब 8.75% रह गया है। ऐसे ही स्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसल उपवन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र या कह सकते हैं वर्तमान की जो परती भूमि है उसके प्रतिशत में भी कमी आई है। तो बच्चों आपको इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके इनकी भिन्नताओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, क्योंकि इसी के आधार पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आगे बनने वाला है। तो यहाँ पर इनकी भिन्नता को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे।
हमारी भूमि की निम्नीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाए गए हैं जो निम्नीकरण का एक उदाहरण ये देखिए। इसी प्रकार ये निम्नीकरण वृक्षों के कटने के परिणाम स्वरूप वनोन्मूलक क्षेत्र और भूमि विभिन्न क्रियाकलापों के कारण निम्नीकरण और अन्य बंजर भूमि या खनन कार्यों के कारण होने वाला निम्नीकरण। तो भारत में भू उपयोग में अगर हम देखें तो भूमि के उपयोग में वन नीति जो हमारी कहती है 1952 की कि हमारे 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए या वांछित हैं, परंतु स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम होती जा रही है और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में निम्नीकरण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे जो क्षेत्र है वो सभी जगह एक समान उपयोग भी नहीं होता है। उसमें पंजाब में अगर हम देखें तो कृषि भूमि 80% क्षेत्र में कृषि भूमि कार्य में ही उपयोग में लाई जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में हम 10% भूमि का ही कृषि के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये भिन्नता हमारे प्रदेशों में देखने को मिलती है जिसके परिणाम स्वरूप निम्नीकरण की समस्या देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि हमारी प्रतिवर्ष 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, 28% निम्नीकरण विभिन्न खदानों के माध्यम से और 56% तो जल अपरदन के द्वारा ही हो जाता है। जल अपरदन कौन करता है? नदियों के द्वारा, है ना। लवणीय और क्षारीय भूमि जो कि बंजर रूप में परिवर्तित होती है ये 6%, और ऐसे ही वायु द्वारा या पवन के द्वारा जो मरुभूमि है उसका विस्तार किया जा रहा है, जिससे हमारी 10% भूमि निम्नीकरण की ओर जा रही है। तो आप बच्चों देख पा रहे हो निम्नीकरण के वनोन्मूलक, अति पशुचारण, खनन, बंजर भूमि के रूप में हमारा निम्नीकरण का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ कारण उनका उपाय करने की आवश्यकता है। ऐसे ही निम्नीकरण में आपको बता दें कि खनन के द्वारा मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निम्नीकरण ज्यादा हो रहा है। ऐसे वनोन्मूलन के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और अति सिंचाई के कारण, आप ये नोट करेंगे बच्चों, इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है, अति सिंचाई के कारण ने खेतों में बहुत अधिक सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी लवणीय भूमि की या क्षारीयता बढ़ती जा रही, और खनन की क्रियाएं, खनिज की क्रियाएं जिसमें पत्थर पीसना वगैरह, इनके कारण भी ये जो धूल कण है वो जो मुख्य उपजाऊ भूमि है उस पर जमकर उनकी उपजाऊ शक्ति को या जल को सोखने की क्रिया को कम कर रहे हैं। तो निम्नीकरण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों हमें सबसे पहले वनरोपण करना चाहिए, और क्योंकि वृक्षारोपण बहुत सारी समस्याओं का हल है। वायु प्रदूषण का तो है ही, सभी जानते हैं, परंतु ये भूमि के निम्नीकरण को रोकथाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे ही चारागाहों का उचित प्रबंधन करके भी हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। पशु चारण नियंत्रण को भी नियंत्रण करके भी हम निम्नीकरण को रोकने के उपाय खोज सकते हैं। ऐसे ही रेतीले टीलों वाला बताया था, ये घास की पट्टी बनाई जा सकती है, रेतीले टीलों के पास में कांटेदार झाड़ियां लगाकर भी हम उसके निम्नीकरण को रोक सकते हैं या रेतीले टीलों के वृद्धि को रोक सकते हैं। बंजर भूमि को उचित प्रबंधन कर हम उसे उपजाऊ बना सकते हैं और निम्नीकरण को रोक सकते हैं। और खनन नियंत्रण पद्धति जिसमें कि इस प्रकार का खन गहरी खाइयां ना खुली छोड़ी जाए जिससे कि हमारा निम्नीकरण हो, तो हम गहरी खाइयों को छोड़ने पर प्रतिबंध लगाकर उसका उचित प्रबंधन करके हम निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो बच्चों ये अपने निम्नीकरण को रोकने के उपाय थे। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा आता है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन भूमि संसाधन का ही एक भाग है। मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसे प्राकृतिक संसाधन नवीकरण इसलिए कहा गया है क्योंकि मृदा को बनने की एक प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप नवीन मृदा का निर्माण होता है। यह बात अलग है बच्चों कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी और लाखों वर्षों में पूर्ण होती है। यह पौधों का विकास करती है, लाखों जीवों का पोषण करती है। मृदा निर्माण मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति,
अन्य जैव पदार्थ और समय ये मुख्य कारक माने गए हैं। प्रकृति के अनोखे तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की क्रियाएं नदी के रूप में, पवन, हिमनदी, अपघटन आदि क्रियाएं मृदा बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मृदा संसाधन में बच्चों जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों का की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मृदा भी एक समान नहीं होती, इसके भी अपने एक संस्तर होते हैं, तो इन संस्तरों को आप जानेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, मृदा परिच्छेदिका दी हुई है, चित्र नंबर 1.5 है आपकी बुक में, इसीलिए दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे नीचे भाग में अपक्षय रहित आधारी चट्टानें हैं जिनका अपक्षय या टूट फूट नहीं होती है। फिर दूसरे नंबर पर पीले रंग में अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें हैं, इसमें अपक्षयित है ये भी अधस्तरीय है। और तीसरे नंबर पर उपमृदा अपक्षयित चट्टानें, जिससे कि इस मृदा का अपक्षय होता है बालू, गाद के रूप में, सिल्ट या मृत्तिका के रूप में ये पाई जाती है। सबसे ऊपरी संस्तर की मृदा जो हमेशा परिवर्तित होती रही, नवीन मृदा इस पर की परत इस पर बिछती रहती है नदियों के द्वारा, निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा और विभिन्न प्रकार की मृदा निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें मृदा प्राप्त होती रहती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम मृदा के प्रकारों को जानेंगे। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी कारण अनेक प्रकार की यहाँ मृदा पाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं उच्चावचों में भिन्नता के कारण मृदा में उनके रूप, रंग, गुण में भिन्नता के कारण मृदा को हम मुख्य रूप से कुछ भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, सबसे पहले पर्वत या वन क्षेत्र की मृदा जो कि डार्क हरे रंग से दिखाई गई है, यह हमारे हिमालय या जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे इस भाग तक पूरे समांतर ये वाली मृदा पाई जाती है। दूसरे स्तर पर हमारी आती है बच्चों जलोढ़ मृदा, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जा रही है, तो ये हमारे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा या गुजरात तक पाई जा रही है। देखिए बेटा, यहाँ पर भी जो हल्का हल्का हरा रंग दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपकी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भाग, यहाँ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, साथ ही तटीय भाग, ये कौन से तटीय भाग, जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, ये एक छोटी पट्टी चली आ रही है। देखिए बच्चों, ये यहाँ कहाँ तक, तमिलनाडु तक, यहाँ पर ये पूरी इतनी पट्टी, पतली पट्टी में भी कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़, क्योंकि आपसे हम पूछेंगे कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमारी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र काफी विस्तृत है। तो जलोढ़ मृदा पहली मृदा चली है बच्चों, अब इसी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उसके बाद आप और भी देख लिए, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी का क्षेत्र, हम इसको क्रमवाइज आगे पढ़ेंगे, और लेटराइट मिट्टी और शुष्क या मरुस्थली मिट्टी जिसे पीले रंग से दिखाया गया है। जलोढ़ मृदा यह देश की एक महत्वपूर्ण मृदा है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। ये मृदा हिमालय की तीन प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है, है ना। ये इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, सिंधु का भी क्षेत्र क्योंकि पंजाब क्षेत्र में, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निक्षेपों से बनी हुई है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भाग में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा एक के भी प्रकार है बच्चों, आगे देखते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो प्रकार है, पुराना जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं, इस प्रकार की मृदा में कंकड़ ग्रंथियां अधिक मात्रा में होती है और ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है, परंतु इसका उपयोग ह्यूमस या उर्वरक तत्वों का उपयोग करके इसका उपयोग
कहीं किया जा सकता है। और दूसरी आपकी नई जलोढ़, जिसे हम खादर कहते हैं, इस प्रकार की मृदा के महीन कण होते हैं और ये खेती के लिए या कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बच्चों, इन दोनों में, दोनों चित्र के माध्यम से आप अंतर भी देख पा रहे हैं, पुरातन जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को समझते हुए हमने इनकी कुछ विशेषताओं को भी पहचाना है। ये इसमें कौन कौन सी, ये एक तो सबसे उपजाऊ होती है, ये मृदा अधिकतर पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है। इसके कारण गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाज और दलहन फसलों की खेती इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इन मृदाओं का सही उपचार, सिंचाई करके इनकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। अब हमारी दूसरे नंबर पर आती है हमारी काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काली नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, काला होता है। इन्हें रेंगर मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा कपास की खेती, बच्चों एक बार ध्यान देंगे, ये मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इस कारण इसे काली मृदा या कपास वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु जनक शैलों का इस मृदा को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? दक्कन पठार के क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनती है। अगर हम प्रदेश देखें तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में ये मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी की विशेषताएं, इनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। गर्म मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रित हो जाती है। अब दरारें, बच्चों आपने देखा होगा कि इसमें कुछ चित्र इससे पूर्व वाले चित्र में दिखाया गया था। गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है और इन्हें जोतना मुश्किल हो जाता है, यानी इस पर खेती करना, वो हल चलाना मुश्किल हो जाता है इतनी चिकनी होने के कारण। अच्छा बच्चों, इस चित्र में एक और आपको कुछ फसल उगती हुई नजर आ रही है, तो आप क्या बता सकते हैं ये कौन सी फसल है? हाँ बच्चों, ये है कपास की फसल, जिसमें जो किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में होती है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ये कभी कभी एक नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जिसे आपको याद रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी लाल और पीली मृदा। ये मृदा दक्कन पठारों के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका रंग लाल रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसारण के कारण होता है। इनका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मृदा, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से हुई है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि ये ज्यादा तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया इसमें नष्ट हो जाते हैं। ये मृदाएं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की लाल लेटराइट मृदा काजू के फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। आती है हमारी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जलवाष्पीकृत कर के खाने का नमक भी इसे बनाया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा का सही तरीके से सिंचित करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में गंगा नहर के आ जाने से इस मरुस्थलीय मृदा का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है।
हमारी अंत में आती है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा और वन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के निर्माण में पर्वतीय पर्यावरण के कारण बदलाव आ जाता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। हिमालय क्षेत्रों में इन मृदाओं को बहुत ही अपरदन द्वारा और ये अधिसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले हिस्सों में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो बच्चों, आपने देखा हमें मिट्टी अपरदन के रोकथाम के लिए हमने चित्र के माध्यम से पुनः आपको बताया है कि हम मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे हमें वृक्षारोपण करके और सीढ़ीदार वन पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, अपरदन को रोक सकते हैं। साथ ही घास की पट्टी बिछाकर और जो बालू वाले मिट्टी वाला क्षेत्र है वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो निश्चित है आपको मिट्टी अपरदन के रोकथाम के उपाय भी पता चल गए होंगे। अब आपको इनको बिंदुवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए बच्चों, हम आपको कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, उनके उत्तर आपको याद हैं, आप समझ ही गए होंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण क्या है या कारण क्या है? तो आप इनमें से चार उत्तर हैं, इनमें से आप एक को का चयन आप निश्चित ही कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो अभी आपको उपाय में भी आपको ये बात आ चुकी है। और अंत में, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो चलिए बच्चों, इनके आप प्रश्नों के उत्तर खोजिए। हम पुनः आपको वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण के लिए प्रेरित करते हुए वृक्ष लगाने के लिए कहेंगे कि आप निश्चित ही एक वृक्ष को लगाएंगे। धन्यवाद।